हमारी सीमा में आ गए हैं, वापस जाइए वापस जाइए। झंडा दिखाते थे कि नहीं दिखाते? तो 15-20 दिन पहीना भर चीन वाले टहलते रहते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा घसक जाते थे। आप वो दृश्य देखिए, टीवी का ध्यान करिए, डोकलाम में हमारे सैनिकों ने मुसुक कस के उमेट के चीनियों को भगा दिया था कि नहीं। इस देश के अंदर भारत का स्वाभिमान मोदी ने कितना बढ़ाया, ये सामने है। इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, जौनपुर से बड़ा लगाव था। उन्होंने देश के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री थे, लाहौर बस लेके गए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने धोखा दिया। उन्होंने कारगिल में जवाब दिया, दांत खट्टे पाकिस्तान के कर दिया। आज नरेंद्र मोदी ने भी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर साल भेंट किया, जन्मदिन पर बधाई दिया, लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती को धागा में बदलने का काम किया। पठानकोट में हमारे सैनिकों पर हमला किया, उसको ध्यान नहीं था कि उसके पहले मणिपुर में हमारी सरकार ने आतंकवादियों के कैंप बर्मा में घुस के नष्ट कर दिए अमेरिका इजराइल के बाद। उसे पता नहीं था, उसे ध्यान देना चाहिए था। घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद उन्होंने फिर दगा किया हमारे सैनिकों के ऊपर। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए, 12 हमारे उत्तर प्रदेश के लाल शहीद हुए। ये जौनपुर बहादुरों की धरती, आजादी की धरती है। यहाँ बहुत से ऐसे पुराने किस्से आप याद करेंगे तो आपको मिलेंगे कि अगर किसी अत्याचारी ने किसी के ऊपर अत्याचार किया, अगर लोगों ने प्रतिकार किया तो कहा कि चीता शांत हुई है, तेरे ही बीते तुम्हारा जवाब दूंगा। कहा है कि नहीं? अनेक जगह ऐसे किसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने छिपाया नहीं, कहा कि तुमने गलत किया है, जवाब मिलेगा, कड़ा मिलेगा, दंड मिलेगा। और चिता शांत हुई, और तेरे ही के दिन आत्मा शांत होती है। आत्मा शांति के एक दिन पहले उन वीर जवानों के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए बालाकोट में 12 मिराज विमान भेज के पाकिस्तान के होश फाकता कर दिया, एयर स्ट्राइक करके, किया कि नहीं किया? और आज भारत को अंतरिक्ष में भी महाशक्ति बनाया कि नहीं? रूस चीन अमेरिका के बाद दुनिया के सारे उपग्रह कर नष्ट करने की शक्ति भारत में है। तो ये भारत का गौरव बढ़ाना, भारत की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा देश में मजबूत देश के रूप में स्थापित करने में नरेंद्र मोदी को 100 में कितने नंबर देंगे आप? तो जब सब में 100 में 100, तो यहां मतदान 12 को है, 12 मई को है ना? तो 12 मई के मतदान के बाद और 23 मई की मतगणना में अब कोई दुविधा है प्रधानमंत्री बनाने के लिए? कौन बनेगा? कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं आप सबको संकल्प दिलाने किसान मोर्चे के सम्मेलन में आया हूं। किसानों की जिंदगी को बेहतर करने के बहुत से भाषण आपके बीच आए होंगे मित्रों, स्टेप बाय स्टेप। किसानों की सॉयल हेल्थ कार्ड, जमीन की किस्म, उसके बाद फसल बीमा योजना, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद फसल का लागत 1.5 गुना मूल्य, और अभी हाल में किसान सम्मान निधि। अरे उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे आनंद है क्योंकि 95% किसान छोटी जोत का है। अब तो सबके किसानों का भलाई का उन्होंने रास्ता खोज दिया, और 6,000 रुपए कितनी बड़ी राहत है। 6,000 में छोटा किसान कीटनाशक भी ले सकता है, बीज भी ले सकता है, खाद भी ले सकता है। इतनी बड़ी राहत देने का काम किसान सम्मान निधि से दिया नरेंद्र मोदी ने। तो इन सब मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी को बनाना है। तो मित्रों आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस किसान सम्मेलन में विजय लक्ष्य संकल्प लीजिए। 10 साल मनमोहन की चली, 25 एमपी सपा के, 19 एमपी बसपा के। ये 2014 के पहले यहां से भी गए थे मनमोहन की सरकार चलाने वाले। 10 साल तक मनमोहन की सरकार इन्हीं सपाइयों बसपाइयों ने चलाई है उत्तर प्रदेश में। ये राज्य में लड़ते थे, राज्य में बोलते थे, वही बोलती थी चढ़ गुंडों की छाती पर, लगा मोहर हाथी पर। और कोई बोलता था, रामचरण दास एक अध्यक्ष होते थे सपा के, उनको कोई बोला कि आपको वो गुंडा बोला, तो बोले गुंडी है, वो बोले गुंडा बोला तो बोले गुंडी है कि नहीं? पुराना रिकॉर्ड। ये सब छोड़ के आजकल जो है गलबहिया हुए हैं बुआ भतीजा। तो आज मैं सवाल करता हूं कि उन 10 सालों में मनमोहन के खजाने से कई रुपया लाए यहां के तत्कालीन सांसद, और आज भारतीय जनता पार्टी की
उत्तर प्रदेश से 73 MP आपने दिया, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को अपना राज्य समझ बैठे, सबसे अधिक मंत्री बनाया और हिंदुस्तान का खजाना उत्तर प्रदेश के लिए खोल दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया, रेल की लाइनों का डबलिंग कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, इतना जल्दी इलेक्ट्रिक इंजन जौनपुर से एकदम फटाफट आता जाता, आप किसके राज में देख रहे हैं, किसके राज में देख रहे हैं। तो विकास के पैमाने पर आए किसान भाइयों, विकास के पैमाने पर 100 में कितने नंबर मोदी को देंगे, 100 में कितने नंबर मोदी को देंगे। हम तो नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत पर आप विचार करें, हम आप खुद ही मुझे कार्यकर्ता कई घरों में अल्पकालिक मौतों पर संवेदना करने ले गए हैं, आप भी जाते होंगे। आज के दुनिया में इलाज की सुविधाएं इतनी हैं कि अगर सामर्थ्यवान है, अमीर है, सामर्थ्यवान है, संपन्न है, तो यहां से चट से उठेगा, टाटा इंस्टीट्यूट जाएगा, मेदांता जाएगा, और जौनपुर वाले अक्सर चले जाते हैं सर, अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा लेगा, लीवर ट्रांसप्लांट कर लेगा, हृदय का बल्ब बदल लेगा। और अगर गरीब है, पैसे से कमजोर है, तो उसके घर हम आप जैसे नेता जाएंगे, उसको यही बताएंगे ना, सांत्वना देंगे ना कि भैया संतोष करिए, दुख मत करिए, इनकी उम्र इतने दिन थी, यमराज के यहाँ रजिस्टर रहता है चित्रगुप्त का, और खास करके यहाँ चित्रगुप्त परिवार के कास्ट लोग जौनपुर में बहुत रहते हैं, तो वो चित्रगुप्त का रजिस्टर रहता है, वो रजिस्टर में लिखा था इतने दिन की उम्र थी, यही सांत्वना देते हैं ना हम। वहां खड़े हो गए नरेंद्र मोदी ऐसे परिवारों का, नहीं, अगर इलाज के अभाव में मरेगा तो वहां नहीं मरने देंगे। प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया लेंगे, नरेंद्र मोदी खड़े हो गए ऐसे परिवारों के साथ। तो इन सारी योजनाओं से नरेंद्र मोदी ने जो कह के संसद में प्रधानमंत्री की शपथ लिए कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, तो गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने का नरेंद्र मोदी ने 5 बरस में काम किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया? अरे मित्रों, काम का आलम यह है, स्वच्छ भारत का पैमाना नापना हो तो मैं एक फार्मूला उत्तर प्रदेश के हर कोने में बोलता हूं, लोग समर्थन करते हैं। अगर मानना हो हिंदुस्तान जैसे देश में 130 करोड़ की आबादी में, हिंदुस्तान में 95% घरों में शौचालय, आज से 4 साल पहले लाल किला में बोले तो लोग कहते थे क्या ऐसा हो गया, हमारे में भी कुछ लोग बोलते थे, एक दो पत्रकार तो संपादकीय लिखे थे कि प्रधानमंत्री को लाल किला से शौचालय लैट्रीन नहीं पेशाब घर टट्टी की बात करनी चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान में 95% घरों में शौचालय, और इसको पैमाने से नापना हो तो मैंने एक नया फार्मूला निकाला है, किसी उत्तर भारत के स्टेशन पर आज से कई बरस पहले अगर आउटर सिग्नल पर गाड़ी रुक गई सवेरे के टाइम, तो खिड़की से देखने का मन नहीं करता, क्योंकि बाएं आउटर सिग्नल पर रुकी है, कोई डब्बा लिए जा रहा है, कोई लोटा लिए जा रहा है, कोई बहुत बाहर का बोतल प्रयोग कर रहा है, 10-10 फुट पर बैठा है, लाज लिहाज छोड़ के बोले सही करो कि गलत। और स्टेशन पर गाड़ी लगी तो बाएं झांकने का मन नहीं करता था, तुरंत दाहिने उतरा, टब से स्टेशन पार करा, नहीं बाएं तक बात तो उल्टी हो जाएगी, ऐसा होता था कि नहीं? मतदान का परसेंटेज 65 से ज्यादा है, भाजपा के पक्ष में रुझान है, और खास बात है दलित बस्तियों के लोग भाजपा के पोलिंग बूथों से आकर के जाके मतदान किए।